बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आप लोगों के लिए फटाफट से तैयार होने वाला चिकन ग्रेवी, चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन का सालन जो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी, ये आप पूरी यूट्यूब छान मारे आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। मेरी सीक्रेट रेसिपी है। ग्रेवी बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स या दही की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कमाल की ग्रेवी बनके तैयार होगी बगैर दही के। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जी, आपका टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्त और टेस्टी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये कमाल की चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया वह है 1 kg। ये हमारे पास चिकन है। चिकन को सबसे पहले करना होगा अच्छे तरीके से वॉश। इसको वॉश करने के बाद साथ ही हम इसके लेग्स में अच्छे तरीके से कट्स लगा देंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए और ये अच्छे तरीके से गल भी जाए। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में इस चिकन को करना होगा हमें मैरिनेट। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं लेकिन ये है कि बहुत इजी हैं। 1/2 teaspoon डालेंगे नमक। आपने इतना डालना है कि आपका चिकन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा नमकीन हो जाए। ठीक है, नमक डालने के बाद 1/2 teaspoon डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी। बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा इससे। ले जी, फाइनली ये वो सीक्रेट चीज है जिसे डाले बगैर हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल अधूरी है। तकरीबन 2 चुटकी के बराबर हम लेंगे अपने हाथ पे अजवाइन। अच्छे तरीके से हम अपने हाथों में मस लेंगे, बहुत बारीक सा कर लेंगे और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। बस यही इसमें स्पाइसेस जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। इसमें जीरा पाउडर और खुश्क धनिया का पाउडर अभी बिल्कुल भी नहीं हम ऐड करेंगे, वो बिल्कुल लास्ट पे जाएगा। आपको मैं दिखाऊंगी उसको हमने किस पॉइंट पे ऐड करना है। अच्छे तरीके से सारे चिकन के अंदर तक हम मसाला लगा देंगे। चिकन हो चुका हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त सा मैरिनेट और अब हम इसकी इंटरेस्टिंग सी ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं जो कि फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ सबसे पहले गैस पे रखेंगे हम 1 अदद बर्तन। इसमें हम ऐड करेंगे 2 medium size के प्याज हैं। इनको बहुत रफली काट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई इसकी बहुत बारीक कटिंग नहीं मैंने की, बस ऐवी चलते फिरते आपने प्याज को काट लेना है। ये हमारे पास 1 tablespoon कुटा हुआ अदरक है। अदरक को आपने थोड़ा सा इसमें पीस के फिर ऐड करना है। 6 से 7 लहसुन के जवे, इनको भी आपने साबुत ही ऐड करना है। 2 आ जाते हैं हमारे पास मीडियम साइज के रफली कट किए हुए टमाटर। और स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा 1/2 teaspoon हल्दी और 1/2 teaspoon जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और जी ये 1/2 teaspoon नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और जी हरी मिर्चें इसमें मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। ये 1 glass के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना। गैस का फ्लेम करेंगे हम यहाँ पे ऑन और इसमें हम चम्मच को चला देंगे अच्छे तरीके से। ये देखते ही देखते मसाला बहुत जबरदस्त सा सॉफ्ट हो जाएगा। ऊपर इसके हम ढक्कन दे देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि ये जल्दी जल्दी से नरम हो जाए। 15 मिनट हो चुके हुए इसे मीडियम फ्लेम पे कवर किए हुए, तो आप देख सकते हैं ये बहुत जबरदस्त से अभी सॉफ्ट हो रहे हैं। अभी इन्होंने मजीद सॉफ्ट होना है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे ये 4 अदद हमारे पास हरी मिर्चे हैं। ये बिल्कुल आप लोगों ने इसी पॉइंट पे ऐड करनी है ताकि ये भी जबरदस्ती सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं पानी भी बहुत अच्छे से खुश्क हो रहा है। मजीद इसे हम कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ले जी यहाँ पे पूरे 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं, खोल के चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत जबरदस्त सा सॉफ्ट भी हो चुका हुआ है, पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है। गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और इस मसाले को हम ठंडा करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। इतने में हमारा मसाला ठंडा होता है, हाथ के हाथ हम दूसरा काम कर लेते हैं। 1 अदद कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे जी तकरीबन 1/2 cup के करीब ऑयल। ऑयल आप इतना लीजिएगा जितना आप हंडी में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल लेने की जरूरत नहीं है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें ये चिकन ऐड करते जाएंगे। ज्यादा चिकन है तो 2 बार में आप लोग ऐड कर दीजिएगा। और जी इस चिकन को हम यहाँ पे करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई। यहाँ पे आप खुशबुएं देखिएगा इतनी कमाल की उठेंगी ना। चम्मच आप लोग चलाते रहिएगा ताकि हर साइड से एक जैसा कलर मिल सके और जबरदस्त सा चिकन जो है वो फ्राई भी हो सके। 4 से 5 मिनट हो चुके हुए हैं चिकन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो है वो आने लग चुका हुआ है। और इसी ऑयल में हम ऐड कर देते हैं
ये मिसाला जिसको हमने बहुत जबरदस्त सा ब्लेंड कर लिया हुआ था, आप चाहें तो ब्लेंडर जग में भी डाल के इसे पीस सकते हैं। और इस मिसाले की हम यहाँ पे बुनाई करेंगे। गैस का फ्लेम आप लोग मीडियम रखिएगा। आप देखिएगा ये ग्रेवी बहुत कमाल की बनके तैयार होगी। और इस पॉइंट पे कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे वो भी आप देखते रहिएगा। 4 से 5 मिनट इस मिसाले को हमने इस ऑयल में भून लेना है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लग चुका हुआ है, इसका मतलब मिसाला हमारा बहुत जबरदस्त सा भुन चुका हुआ है। और जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये फ्राई किया हुआ चिकन, और इस चिकन की भी साथ ही साथ हम बुनाई करते रहेंगे। इस पॉइंट में इसमें जाएगा ये 1/2 टीस्पून हमारे पास जीरे का पाउडर है। जीरे को हमने पहले भून लिया हुआ था, फिर उसका हमने पाउडर बनाया था। और जी 1/2 टीस्पून ही खुश्क धनिए का पाउडर, इसे भी हमने पहले भून लिया हुआ था। इससे इसकी खुशबू 2 गुना बढ़ जाती है। अच्छे तरीके से करेंगे अब हम इसकी मिक्सिंग, और इसकी मीडियम फ्लेम पे हम बुनाई कर लेंगे। चिकन को डाल के साथ ही इसको हम कवर कर देंगे ताकि बुनाई भी होती रहे और चिकन भी जबरदस्त सा गलता रहे। बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहिएगा। 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को भी हमने भून लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग चुका हुआ है। और अब हम इसमें थोड़ा सा शोरबा कर लेंगे। इस चिकन करी की सबसे खास बात मुझे जो लगी है वो ये कि ये बहुत सारे मेहमानों को भी पूरा आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं कम पड़ता। आप लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इसमें शोरबा कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया हुआ है ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और ग्रेवी भी हमारी बहुत जबरदस्ती तैयार हो जाए। और हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप जो है वो ये कि गैस का फ्लेम आप लोगों ने बहुत स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त सा बन के तैयार होगा। इसे तकरीबन अब हम 12 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देते हैं ताकि हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाए, चिकन भी जबरदस्त सा गल जाए। मिलते हैं यहाँ पे। जी हो चुके हुए हैं 12 से 15 मिनट, खोल के चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं चिकन करी हमारी बहुत जबरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी हुई है। अगर आप शोरबा नहीं रखना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल खुश कर लीजिएगा, लेकिन ये ग्रेवी वाला बहुत जबरदस्त लगेगा। आप नान के साथ भी खा सकते हैं इजीली। और अब जी हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये चिकन ग्रेवी का सालन कितना जबरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। फाइनल लुक को आप लोग मिस मत करिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा खुशबूदार चिकन ग्रेवी का सालन जो है वो बनके हो चुका हुआ है तैयार। आप लोग इसे खाएं नान के साथ, गर्मा गर्म चपाती के साथ, ये हर तरह से बहुत टेस्टी लगने वाला है। आपके घर हो किसी की भी दावत तो जरूर इस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करिएगा। सबसे आसान और सबसे इजी रेसिपी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।